मेरा नाम तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी फिर से बता देती हूँ, रोसलिन, रोसलिन टोप्पो। मैं आज दिन भर का अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। और अभी जो ग्रुप बना था, मेरा ग्रुप नंबर है 4। सबसे पहले मॉर्निंग में हमने जो पढ़ाई की, ब्रदर जी ने हमें मॉर्निंग का व्यक्तिगत प्रार्थना बताया, तो उस व्यक्तिगत प्रार्थना के बाद जब दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें जब ब्रदर जी ने बताया कि जीसस जब परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी सवेरे सबसे पहले उठ करके, सबके उठने से पहले उठ करके वो एकांत में जा करके प्रेयर करते थे। हम तो मानव हैं और बाइबल में भी लिखा है कि हमारा शुरू से ही स्वभाव पाप की ओर झुकाव हमारा रहा है और पापी हम जन्मे थे। तो जब परमेश्वर का पुत्र होते हुए वो एकांत जगह में सवेरे सबसे पहले उठ करके एकांत जगह जा करके प्रेयर कर सकते हैं, तो हम तो मानव है, तो हमें उससे ज़्यादा प्रेयर की आवश्यकता है। और जब वो उठ सकते थे तो क्या हम नहीं उठ सकते? मुझे सबसे ज़्यादा यही लगा कि जब परमेश्वर यीशु इतना सुबह उठते थे, तो मैं जो अपना नींद और मॉर्निंग का नींद सबसे ज़्यादा लगता है, सबसे मीठी लगती है और उठने का मन नहीं करता है। और जब हम उठते हैं तो और जल्दी काम पे चले जाते हैं, ईश्वर को हम छोड़ देते हैं सुबह, या तो बाइबल रीडिंग भी नहीं, कुछ नहीं करते, बस हाँ धन्यवाद यीशु, जीवन दिया धन्यवाद, 1 घंटा 5 मिनट भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो मैं देती हूँ, जितना भी टाइम देती, यहाँ रहती हूँ तो कंटिन्यू देते आई हूँ, फिर भी जितना टाइम देती हूँ मैं उससे ज़्यादा समय दूंगी, मुझे ज़्यादा वक्त बिताना है परमेश्वर के साथ। ये मुझे आज के जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा कि मुझे उठना है, मुझे सीख मिली कि नहीं, मुझे उठना है यीशु मसीह की तरह अपना स्वभाव बनाना है। जब वो ईश्वर के साथ कनेक्ट हो, यीशु मसीह जब ईश्वर के पुत्र होते हुए भी प्रार्थना करने के लिए गए, उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताए, तो मैं अपने लिए ली कि मुझे भी उठना है, मुझे अपनी नींद को छोड़ना है, त्यागना। शुरू में नींद आएगी वो मानती हूँ, लेकिन जब तक मैं प्रेयर नहीं करूँगी, बाइबल रीडिंग नहीं करूँगी, तब तक अपने काम पे नहीं जाऊँगी, अपना जो भी है, जो ग्रुप प्रेयर है उस पे नहीं जाऊँगी। और सेकंड ये हुआ कि मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, हम ग्रुप में प्रेयर जब कर रहे थे, तो मैंने जो कल का ग्रुप था आज का भी वही था, जब ब्रदर जी ने जैसे हम लोगों को बताए हम उसी की तरह किए, कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सा प्रार्थना करते, उनको भी जरूरत, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको भी ज़रूरतें होती है, उनके लिए भी हमें प्रेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उनके लिए कोई नहीं करता वो, तो हमें एक मध्यस्थता करना कितना ज़रूरी है, लोगों के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। ये मुझे लगा कि जब हम लोग ग्रुप में प्रार्थना कर रहे थे, तो एक एक व्यक्ति के लिए जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे और परमेश्वर से बोले, पवित्र आत्मा को पूछे कि पवित्र आत्मा हमें बताओ कि हमें किसके लिए प्रार्थना, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसके लिए, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है करके, लेकिन जब हमने मांगा पवित्र आत्मा से, तो हर एक जन को दिखाया, ऐसा कोई नहीं था, 1-2 थे हमारे ग्रुप में जो शायद नहीं बताए होंगे, बट सबको बताया, सबको बताया कि हाँ इसके लिए, ये विषय के लिए प्रार्थना करना है, अपने पारिस के लिए, डिवाइन वचन आश्रम के लिए भी, और अपने पारिस के, पारिस फ्रेस्ट उसके अगुओं के लिए, किसी के फैमिली के पूरे मेंबर, उनके बच्चों के लिए, किसी के, और नाम भी बताया कि हम लोग नहीं जानते कि उस फैमिली में उस नाम का कोई व्यक्ति है, हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने प्रार्थना करके जब नाम आया, तो हम नाम को, उस व्यक्ति को पूछे कि यहाँ पर कौन है इस नाम के व्यक्ति, तो बताए कि हाँ नाम के द्वारा बताया। यह मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा, मैं जान उतना मेरे को कन्फ्यूजन लगता था, लेकिन आज जब ग्रुप में प्रेयर हुआ तो ये क्लियर हुआ कि नाम के द्वारा भी बताता है जब हम पूछते हैं। हमें लगता है कि जब हम ये नाम सडनली क्यों आया करके हमारे मन में, लेकिन जब हम उसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इस नाम का व्यक्ति को प्रेयर की हो सकता है, परमेश्वर चाहता है कि, पवित्र आत्मा चाहता है इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है करके। और वचन देता है, वचन भी जब देता है तो हमें लगता है जब ये वचन मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है करके। जब हम लोग ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो उस ग्रुप में के कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर वचन दे के बात करता है। इसमें मैंने ये अनुभव, किसी का दर्द ये दिखाता है, किसी के फैमिली के लिए मैंने बहुत कुछ, मतलब ग्रुप में, जब ग्रुप में प्रेयर किए तो, जब मध्यस्थ प्रार्थना किए तो बहुत लोगों के लिए ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात है जो मेरा कन्फ्यूजन था कि ये सच में होता है क्या, नाम दे करके ऐसा कुछ करके, मेरा वहम था कि, मेरा वहम था वचन और ये जो क्या बोलते हैं विजन, जो दर्शन होता था और जो नाम लेकर के होता था, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन होती थी, सच में है फेक है, थोड़ा कुछ सही होता था, कोई बताने के लिए नहीं होते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि पूरा चीज़ क्लियर हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद।